तो चुनाव पर महाकवरेज समाचार प्लस की लगातार जारी है और हर अपडेट हम आपको सबसे तेज और सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 69 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, तो वहीं यूपी की बात की जाए तो दूसरे चरण के तहत 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और ये यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के भी कुछ जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में भी बुजुर्गों ने भी वोट डाला, आप उत्साह देख सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार में भी वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। पौड़ी में भी मतदान के लिए लोग घरों से बाहर निकले, तो उधर रामपुर में भी बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे। देहरादून की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बरेली में भी, यानी बुजुर्गों में भी उत्साह खासा देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और 11 बजे तक की बात की जाए तो कुल 24% वोटिंग हो चुकी है यूपी में। कुछ और जिलों की तस्वीर आपके सामने, बदायूं, रामपुर, संभल और बरेली की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यूपी के 11 जिले और उन जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। तो आपको बता दें, यहां की अगर बात की जाए इस फेज की जातिगत आंकड़े की अगर बात की जाए, 18% दलित हैं, 33% मुसलमान और अन्य जिनमें ब्राह्मण और ठाकुर भी शामिल है 49% उनकी तादाद है। अगर देखा जाए तो सेकेंड फेज में मुस्लिम आबादी काफी हद तक निर्णायक भूमिका में नजर आती है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता किसी को भी अकेले ही जीत दिलाने में सक्षम है। और ये कुछ दिग्गजों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वोट डालने के लिए पहुंचे, तो उधर जितिन प्रसाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, संतोष गंगवार भी वोटिंग के लिए पहुंचे और रुचि वीरा ने भी डाला वोट। तो 6 जिले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अगर एक तरफा वोटिंग करें तो किसी को भी जीत दिलाने में सक्षम है, ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इस फेज में भी, पहले चरण में भी कमोबेश इस तरह की तस्वीर थी जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में थे और अगर दूसरे फेज की बात की जाए यानी 11 जिलों की 67 सीटों की, तो यहां पर भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं जिनकी तादाद 33% तक है। इसके अलावा आपको बता दें कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में है और ये उत्तराखंड की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी दिग्गजों ने वोट डाला, अजय भट्ट वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, बाबा रामदेव वोटिंग के लिए पहुंचे, उमेश शर्मा काऊ भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, तो वहीं सतपाल महाराज ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। तो सेकेंड फेज यूपी में, तो वहीं उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं का रुख क्या होगा इन दोनों ही प्रदेशों में, कुछ और तस्वीरें आपके सामने। भुवन चंद खंडूरी वोट डालने के लिए पहुंचे, गणेश जोशी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इंदिरा हृदेश भी पहुंची अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। और किसके बीच टक्कर है, कौन दिग्गज है चुनावी मैदान में, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। सहसपुर से किशोर उपाध्याय, हालांकि इस बार उनकी सीट में बदलाव किया गया है जिसको लेकर कई मौकों पर उनकी खींच भी सामने आई। कोटद्वार में हरक सिंह रावत की प्रतिष्ठा दांव पर है, सुरेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस ने उतारा है उनके खिलाफ, तो वहीं नैनीताल में सरिता आर्या की साख दांव पर है और बीजेपी ने संजीव आर्या को चुनावी मैदान में उतारा है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से कमलाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं, इसके अलावा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के उत्तराखंड में प्रवक्ता विनय गोयल भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय गोयल जी, आपके पास
आप लगातार कुछ चीजों को उठाते रहे, लेकिन किस हद तक चीजें कामयाब रही और इस बार कौन से मुद्दे आप मानते हैं जिन पर चुनाव हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है जी। जिस प्रकार से ये कार्यकाल इस सरकार का स्टिंग ऑपरेशन का कार्यकाल हो गया। सबसे पहले स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसमें वो अपने विधायक सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त पकड़े गए, कह रहे थे कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ऐसा आंखें मूंदने वाला मुख्यमंत्री पहली बार हमारे प्रदेश की जनता ने देखा। उनके ओएसडी मोहम्मद शाहिद जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो मुख्यमंत्री के लिए शराब की पॉलिसी में डील करते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए। उसके बाद उनके विधायक मदन सिंह बिष्ट का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जिसमें कि उन्होंने पुष्टि की इस बात की कि उन्होंने खनन के पट्टे मुख्यमंत्री जी से अपने तमाम। तो क्या भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा रहा विनय गोयल जी? भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा रहा? भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार, विकास, पलायन, ये सब बहुत प्रमुख मुद्दे हैं और सरकार हर मोर्चे पर फैल रही। और हमने सारे तथ्य बहुत गर्मजोशी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्रमाण के साथ ये सारे मुद्दे हमने उठाने का काम किया और जनता के मन में ये बातें पहुंची हैं और जनता इससे बहुत आहत है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है विनय गोयल जी, सरकार आपकी भी रही, उत्तराखंड का, जब उत्तराखंड का गठन हुआ, नया राज्य बना, वो मुद्दे जिन पर उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, वो मुद्दे उस वक्त भी मुंह भाए खड़े थे और आज भी खड़े हैं, जिसमें आपकी भी सरकार रही। और दुर्भाग्य की बात यह कि आज भी आप मुद्दे ही उठा रहे हैं। इस पर आपके पास आएंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी जी भी हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे, इससे पहले भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि मुस्लिम किस तरीके से निर्णायक भूमिका में है इस बार के फेज में भी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, पर मुस्लिम तो उनसे नाराज हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं उन्होंने बीएसपी को समर्थन दे दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये धर्म गुरुओं की जो राजनीति है जी, जब आप धर्म गुरु हैं तो आप राजनीति में क्यों क्या आ रहे हैं? ये इनका जो चेहरा है वो सामने आ चुका, ये लोग अब पावर ब्रोकर हो गए हैं और आम आदमी इनको समझ रहा है। नॉर्मल वे में कांग्रेस ने कभी भी समाज के किसी वर्ग की राजनीति नहीं की है, सबको साथ लेकर के चलने की बात की है गायत्री जी, और शुरू से हम यही करते आ रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अब हमारे ही नारे को अपना नारा बताते हुए सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन इनकी पूरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की आपको एक भी अकलियत का नुमाइंदा नहीं मिलेगा। तो जब आप पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं कर पा रहे हो, अपनी विद इन द पार्टी नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके पास एक भी पूरे इतने बड़े प्रदेश में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में क्या आपके पास एक भी अकलियत का नेता नहीं है? इसका मतलब आप सेग्रीगेट करके राजनीति करते हो। शुरू से आपको एक ही चीज पता है, विभाजन करिए, और जैसे ही चुनाव आता है इनके विभाजक स्वर जो है वो मुखर होने लगते हैं। चाहे वो साक्षी महाराज जो है वो चार महिलाएं, चार औरतें और 40 बच्चों वाला बयान देने लगे, कभी लव जिहाद की बात करने लगेंगे। और अभी जो गोयल जी कह रहे थे उत्तराखंड के लिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। उत्तराखंड में बैसाखियों पर चल रही बीजेपी, विजय बहुगुणा जब जो जिनके ऊपर आपदा को सही तरीके से नियंत्रित न करने के आरोप यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे, आज वो उनके सबसे बड़े नेता हो गए हैं। चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे वो सतपाल महाराज हो, आप जितने नाम दिखा रही थी गायत्री जी, वो सारे कांग्रेस से निकाले हुए लोग हैं। अब आप ये सोचिए कि जो बैसाखियों पर चल रहा हो और ये स्टिंग ऑपरेशन और उसकी बात कर रहे हैं, अभी इनके कर्नाटका में आप भी तो सहारा ले रहे हैं गायत्री जी, अनंत कुमार जी और वो येदुरप्पा वाले इशू पे अभी क्या कल प्रकरण सामने आया कि वो पैसा देकर के मंत्री हो रहे हैं, हद हो गई। और इनके लोग आप मध्य प्रदेश में पकड़े जाते हैं जो है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में पूरे, देखिए इनके यहाँ न उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई नाम दे पाए हैं और ना ही उत्तराखंड में इस तरह का कोई नाम प्रोजेक्ट कर पाए हैं। ये लड़ रहे हैं मोदी जी के नाम पर और मोदी जी एक्सपोज हो चुके पूरे हिंदुस्तान में।
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नाम पे हुई आए सरकार ने, गायत्री जी गरीब की थाली से भोजन छीन लिया, हमारे समय में 60 रुपए किलो दाल बिकी तो सुषमा स्वराज जी जो है वो गले में प्याज और दाल की माला लटका करके घूम रही थी, ये 200 रुपए किलो दाल बेचने लगे। कमलाकर जी कुछ देखिये, शायद कमलाकरण जी को उत्तराखंड के तथ्यों की ठीक जानकारी नहीं है। जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने निकाला नहीं है, वो कांग्रेस के सड़ांग भरे कमरे को छोड़कर आए हैं। आप सत्ता की लालच में आपने निकाला आप नहीं है, आप तो आखिरी तक भी कहते रहे कि वापस आ जाइए वापस आ जाइए। आपके जो प्रभारी आए हमने कभी नहीं कहा, कांग्रेस के जो प्रभारी आए कभी कहा न वापस लेंगे, वापस आ जाइए। आपने आपने उनके थ्रू आपको जानकारी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की चिंता कीजिए, आप चिंता हमें पूरे देश की है, यही तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ गोयल साहब कि पूरे देश की चिंता करिए। एक आप सेग्रीगेशन में बात करना छोड़ दीजिए, और जो आपने सत्ता की लालच को उत्तराखंड में किया वो उत्तराखंड की जनता उसका करारा जवाब आपको फिर से हरीश रावत को सुनाएगी गोयल। ठीक है, आपके थानेदार की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है, आपके मंत्री का बेटा आपके लोग को जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़े जा रहे हैं, जानकारी नहीं है, कमलाकर जी छोड़ दीजिए। आप बैसाखी पर चल रहे हैं, आपको तो सर सुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए गोयल साहब। अखिलेश की हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं। चिंता कीजिए जी, ठीक है विनय गोयल जी आएंगे आपके पास। मथुरा दत्त जोशी जी, वही सवाल जो मैंने विनय गोयल जी से पूछा आपसे भी वही बता इसलिए रही हूं क्योंकि आप लगातार आरोप लगा देते हैं कि एक तरफा जा रहे हैं। सवाल ये कि आपकी पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या किया, उससे पहले भी सरकार आपकी रही, पलायन पर बात करें, विकास के मुद्दे पर बात करें, रोजगार पर बात करें, वो तमाम मुद्दे आज भी वैसे ही है जैसे उत्तराखंड जब बना था उस वक्त थे। आज हमने लोगों से भी बात की जो मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, वो तमाम लोग कह रहे थे कि आज भी वही मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम वोट करेंगे, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सबको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी उनका करता हूं। बहुत से लोग उत्तराखंड के लोग अपना अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने मताधिकार का प्रयोग अभी करना भी है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और निश्चित रूप से जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि होता है, जनता का जो निर्णय होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है और जनता के निर्णय से ही सरकारें बनती है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण जनता लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। जहां तक आपने अभी 2-3 प्रश्नों की बात आपने कही है, कांग्रेस की सरकार ने चाहे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार रही हो चाहे हरीश रावत जी की सरकार रही हो, उन्होंने निश्चित रूप से हमने जो मुद्दे आपने उठाए उस दिशा में बहुत काम किया है। और तिवारी जी की सरकार के वक्त तो मैं आपको एक बात निश्चित रूप से बता दूं कि जो वार्षिक योजना 900 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी उसको 5000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया था तिवारी जी की सरकार ने। तमाम जगह पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम किया था, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का काम किया था, वहां पर रोजगार सृजन करने की बात की थी और 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम किया था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। चाहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार में अगर ये काम हुआ था तो आज हरीश रावत सरकार में क्या हो गया है, मैं बता रहा हूँ, जरा आप तफसील से सुनेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। जी सर, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, बाकी लोग भी हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपने आपके प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना। दीजिए, अगर आप कहती है यही रुक जाइए तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, मथुरा दत्त जोशी जी, आपसे सवाल इसलिए किया है कि आप जवाब दें। नहीं, मैं दे रहा हूँ ना आपको जवाब, इसलिए तो मैंने बताया। संक्षेप में दीजिए। जहां तक हरीश रावत जी की सरकार का सवाल है, सबसे बड़ा काम उन्होंने उत्तराखंडियत को जगाने का काम किया, उत्तराखंड की संस्कृति को संग्रहित करने का काम किया, उत्तराखंड की कृषि को बचाने का काम किया, उत्तराखंड के वनों को बचाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य पहला राज्य होगा जो वृक्षारोपण पर 300 रुपए का बोनस दे रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो पानी के संरक्षण पर बोनस देने का काम कर रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो अगर आप अपने कृषि उत्पादों को पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप उत्पादकता को बढ़ाते हैं तो 500 रुपए पर क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। चाहे आप मिर्च का उत्पादन करें, अदरक का करें, आलू का करें, आप मड़ुए का उत्पादन करें, आप झिंगोरे का उत्पादन करें और आप अदरक का उत्पादन करें, आप फलों के फलोद्यान में जो हमारा लोकल
फलों का उत्पादन है उसमें भी कांग्रेस की सरकार बोनस दे रही, हरीश रावत की सरकार बोनस दे रही। हमने इस दिशा में बहुत कुछ काम करने का काम किया, उसका रिजल्ट अभी सामने आने में कुछ वक्त लग सकता है। हाँ। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हरीश रावत जी की सरकार ने काम नहीं किया है। आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने इस प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, दल बदल का दंश देने का काम किया, दल बदल को बढ़ावा देने का काम किया, यहाँ का बजट हाईजेक करने का काम किया, अस्मिता से खेलने का काम किया। जी आपका जवाब पूरा मत रहा जोशी जी, जी आपका जवाब पूरा, जवाब पूरा तो नहीं हुआ अगर आप कहेंगे रुकता हूं अभी तो बहुत लंबा जवाब है। अगर आप मुझे सीधा बता दीजिए, मान लेते हैं आपने ये सब काम किया है जो जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, पर ये जो उत्तराखंड की जनता है ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? काम हुआ है, आप उत्तराखंड में आके देखिए जो चार धाम यात्रा आपकी पूरी वो सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उस यात्रा को रेस्टोर करने का काम हरीश रावत जी वो सब देख रहे हैं। फिर जनता को क्यों नहीं लग रहा? ने उसकी तारीफ की, भाजपा के नेतृत्व ने उसकी तारीफ की कि बहुत अच्छी चार धाम यात्रा चल रही है। जोशी जी आपके और हमारे लगने से क्या होता है, जनता को भी तो ये लगे। आज हमने जितने लोगों से बात की सभी ये कहते हुए दिखाई दिए कि पहाड़ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है, और पहाड़ की बात करने वाले मुख्यमंत्री दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मैदानी, पहाड़ क्यों छोड़ा? इस पर भी आपसे बातचीत होगी। किसने विनय गोयल जी तो खुद पहाड़ में, मैं तो अभी आपके चैनल में पहाड़ से आ रहा हूँ, ये बोर्ड डाल के पहुंच रहा हूँ। मथुरा दत्त जी अगर आज्ञा हो तो मैं आपकी बात करूं। विनय गोयल जी आपने कई आरोप लगाए, आपने बीजेपी ने कई आरोप लगाया भ्रष्टाचार को लेकर, आपदा राहत को लेकर आपने आरोप लगाया, प्रबंधन को लेकर आपने आरोप लगाया, लेकिन वो तमाम लोग जिन पर आरोप थे जो उस वक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनको तो आपने गले लगा लिया, उनके बेटों को भी टिकट दे दिया आपने। देखिए मेरा कहना यह है गायत्री जी कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है कांग्रेस, और वहां जो भी व्यक्ति अगर अच्छा व्यक्ति भी कोई हो तो वो उसको काम करने का मौका नहीं दिया जाता, और अगर जो उनका मुखिया होगा जो सरकार चला रहा होगा अगर वही, मैंने आपके चैनल पर ही सुना था भ्रष्टाचार है तो वो तो नेता के मंत्री के मुख्यमंत्री के अपने विवेक से होगा ना, उन्हीं लोगों को तो आप गले लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए हमने जो भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हमने उन्हें स्थान दिया, जो भ्रष्टाचार में घुटन महसूस कर रहे थे कांग्रेस के, और मैं मेरे मित्र मथुरा दत्त जोशी जी बहुत अच्छे मित्र है मेरे, हम अक्सर अनौपचारिक चर्चा भी करते हैं, सारी बात करते हैं। मैं नहीं तो क्या उनको भ्रष्टाचार के लिए दबाव दिलाया गया था? उत्तराखंड की गंगा जो बिल्कुल, है वो आपने आपने ऑपरेशन देखा होगा, उत्तर जाए कि तुम 30 करोड़ का, चाहे वो विजय बहुगुणा हो या हरक सिंह रावत हो, चाहे वो प्रेमचंद निशंक, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हुए पकड़े गए स्टिंग ऑपरेशन में कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ निशंक साहब क्यों हटाए गए थे ये भी याद है, ऑपरेशन आ गया है, दोबारा स्टिंग ऑपरेशन आ गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी मेरे मित्र मथुरा दत्त जोशी जी बता रहे थे कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय ऐसे ऐसे उद्योग धंधे लगे, लेकिन ये नहीं बताना चाहते, उसका धन्यवाद नहीं देना चाहते कि जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उन्होंने बिना भेदभाव किए बिना पक्षपात किए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, और उस विशेष राज्य के दर्जे के कारण विशेष औद्योगिक पैकेज के कारण से यहां उद्योग धंधे लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई दुर्भाग्य से, और उत्तराखंड की जब हमारी सरकार बनी यहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज समाप्त कर दिया, तो किस प्रकार का इनका उत्तराखंड के प्रति रुझान है, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनकारियों के दर्द को समझते हुए, उत्तराखंड की पीड़ा को समझते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, और इसीलिए हम कहते हैं कि अटल जी ने बनाया और अब मोदी जी संवारेंगे, शुरुआत कर दी है। जी विनय गोयल जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जनता पूछ रही है आप दोनों ने क्या किया। बहरहाल इस पर आपसे बातचीत होगी। कमलाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, यूपी पर एक बार हम फोकस कर लेते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी आपने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना पड़ा, पहले तो आप लोगों ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद ऐसी क्या नौबत आई, ऐसा क्या लगा कि अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना चाहिए? कोई नौबत आप तो 100 सीटों पर लड़ रहे थे ना। देखिए ट्रांसपेरेंसी हर चीज में एक अच्छी चीज होती है, और चूंकि
आप ही लोग ये कह रहे थे कि हम 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे करके फिर अचानक समाजवादी पार्टी के साथ कैसे हो गए, तो ये बताना जरूरी था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मुद्दों पर हैं। हम जो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के जो दो युवा हैं, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इन दोनों का जो विकास का विजन है, जो डेवलपमेंट का विजन है, जो कलेक्टिव लीडरशिप का विजन है, जो सबको साथ लेकर के चलने का जो प्रारूप है, हमने उन उस आधार पर समझौते किए हैं। वर्तमान सरकार में साथ में नहीं है। अगर आप ये दलील देंगे तो आप ही फंसेंगे सर। कोई आप फंसेंगे नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप क्या पिछली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? मैं आज भी कह रहा हूँ कि 27 साल यूपी बेहाल था और उसी उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पे पुनः लाने के लिए पूंजीवाद के खिलाफ जो दौलत की बेटी मायावती जी हो गई हैं और जो अमेरिका के पूंजीवाद से ग्रसित माननीय मोदी जी हो गए हैं, पर तब तो इन दोनों के पूंजीवाद के खिलाफ सरकार कानून व्यवस्था को लेकर फेल है। इन दोनों के पूंजीवाद के खिलाफ हमने ये गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश को विकास के कानून व्यवस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज करके। जो माफिया एलिमेंट्स को अखिलेश यादव जी ने बाहर किया, मायावती जी उन्हीं माफिया एलिमेंट्स को, अंसारी बंधुओं को अब गले लगाती हैं। इनका चरित्र तो सामने है। चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाते हाथी पर का नारा कहने वाली मायावती जी, गुंडा चढ़ा है हाथी पर गोली मारेगा छाती पर हो गया है तो। और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई और भ्रष्टाचार और अब तो आतंकवाद से भी ग्रसित हो गया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आतंकवादी गतियों में भी सम्मिलित हो गए। कमलाकर जी, जी आपकी रैलियों में जब आप नारा दे रहे थे 27 साल यूपी बिहार, तब कानून व्यवस्था का मुद्दा आपने जोर शोर से उठाया। आपने कहा मौजूदा सरकार, अखिलेश सरकार फेल है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो क्या ये अलायंस कानून व्यवस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपने किया है? आपको आपको ये एकदम नहीं। मैंने क्या कहा आपसे, इस सरकार में हम शामिल नहीं हैं। ये हम आप ये सोचिए, ये हमारा हौसला है के सरकार की जिम्मेदारी नहीं। आप ये हमारा हौसला है कि हमने उस नारे के बाद भी साथ निभाया है, साथ लिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं। हम उस समय का एक बात और आप भूल रहे हैं, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय की एक बात आप ये भी भूल रहे हैं कि हम लोग ये कहते थे कि चार चार मुख्यमंत्री हैं। जब अखिलेश यादव जी ने ये प्रूव कर दिया कि शासन चलाएंगे, अब उनके विजन पे जो है वो उत्तर प्रदेश चलेगा, वो जो करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के डेवलपमेंट ओरिएंटेशन पे हमने कभी सवाल नहीं उठाए, उनके मेट्रो पर हमने सवाल नहीं उठाए, उनके एक्सप्रेसवे पे हमने सवाल नहीं उठाए, हमने उनके समाजवादी पेंशन योजना पे सवाल नहीं उठाए। जो सवाल था वो इसलिए भी था क्योंकि वो जो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा था उसको खिलाफ जब अखिलेश यादव जी खड़े हुए और जब ये लगा कि नहीं, दो लाइक माइंडेड फोर्सेस को साथ में काम करना चाहिए, जो विकास की बात करें, जो समाज को बांटने की बात न करें, जो पूंजीवाद की तरफ न ले जाएं, जो किसान की बात करें, जो कॉरपोरेट की बात न करें, ऐसे लोगों को साथ में आकर के जो डेवलपमेंट हमने 89 में छोड़ा था। गायत्री प्रजापति के साथ क्या किनारा किया उन्होंने? गायत्री प्रजापति पे अभी कहां वो पूरा वो हुआ है। आप इस तरह से तो जो है आप देखने जाइए तो जो है व्यापक घोटाले में ये सारे के सारे लोग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि हम ये डिग्रीज कैंसिल की और कहा कि इस तरह की चीजें हम अलाउ नहीं कर सकते। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो गुजरात में हो रहा है, ये बीफ की बात करते हैं और इनके लोग बीफ एक्सपोर्ट में पाए जाते हैं, वो आप भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं, पर क्या ये नैतिकता नहीं थी? आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश की छवि साफ है इसलिए आपने उनको सपोर्ट दिया, पर जो दागदार हैं, जिन पर आरोप है, वो तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। देखिए, माफिया एलिमेंट्स अलग हो गए, चुनाव में आरोप लगना तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देख लीजिए और सारे बड़े न्यूज़पेपर्स की, सबने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा दागी हैं। इन्हें तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ये सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष पे 16-16 मुकदमे हैं मौर्य जी पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पे जो है वो गुजरात के गृह मंत्री पंड्या की हत्या का आरोप है। तो आप सोचिए, जो पार्टी आपके भी है सर, हमारे किसी भी आपके भी है, हमारे किसी भी नेता पर हत्या, लूट, बलात्कार, इस तरह के इल्जाम नहीं है। कांग्रेस के भी हैं, कांग्रेस के भी चार प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी चार प्रत्याशी हैं, बीजेपी भी प्रत्याशी। मैं प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूं गायत्री जी,
आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द पार्टी और आम प्रत्याशी से लेकिन आपने अगर प्रत्याशी को टिकट दिया है तो बढ़ावा तो आप भी दे रहे हैं, सपोर्ट तो आप भी कर रहे हैं ना। अगर मैं लिस्ट लेकर के बैठूंगा तो बीजेपी वालों को तो चेहरा छुपाना हो जाएगा। हम बीजेपी की वकालत नहीं कर रहे हैं, सब है वो, नहीं हम आम होंगे आप भी नहीं, हम नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आज के प्रदेश अध्यक्ष और पहले के प्रदेश अध्यक्ष सेकंड फेज में भी आप किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को उठा करके देख लीजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके देख लीजिए, नहीं है ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कैसे नहीं है? आप दूसरों के लिए मानक दूसरे और अपने लिए कुछ और, आप मानक दूसरा कर रही है गायत्री जी, आप आपके हैं कि नहीं इंपोज कर रही है, आपके हैं कि नहीं? जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है तो आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करिए ना, राजबब्बर साहब पे कोई दाग लगा करके बता दे कि कोई ये दाग है उनके ऊपर, या उसके पहले सलमान खुर्शीद साहब रहे हैं, श्री प्रकाश जायसवाल साहब रहे हैं, दाग बता दीजिए उनके ऊपर। आप बेसिकली इनके तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो 16-16 अध्यक्ष, वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे तो आपके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर लगे आरोप, मैं तो कह रहा हूं जांच भी चल रही है। एक मिनट, मैं क्या आपसे क्या कह रहा हूं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पे स्वयं जब मुकदमे लगे हुए हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तड़ीपार रहे हो और प्रधानमंत्री पे एलिगेशन लगा हुआ हो जिनके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बाकियों के तो हमाम क्या, यहाँ तो पूरी गंगोत्री, यहाँ तो आप रोक सकते थे ना, यहाँ तो आप रोक सकते थे, हमने रोका है, आपने टिकट दिए, ऐसी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, आप बताइए ना मुझे, ठीक है आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। विनय गोयल जी आपके पास जी, फिर मेरा वही सवाल, बीजेपी की जब सरकार रही तो आपने किन मुद्दों को लेकर के काम किया, ये आज प्रदेश की हालात ऐसे क्यों? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमने प्रदेश के समुचित विकास के लिए काम किया और उसके लिए जो जो काम हमने आगे बढ़ाए थे, चाहे वो लोकायुक्त का मामला हो, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी हो हमारी जो शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए, या सेवा का अधिकार हो, वो सारे के सारे जो जनहितैषी काम थे वो कांग्रेस की सरकार ने आते ही बंद कर दिए। चाहे ऐसा लोकायुक्त हमने खंडूरी जी ने बनाया था जिसकी पूरे देश में सराहना हुई, स्वयं अन्ना हजारे जी ने उसकी सराहना की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही उसे रोक दिया, जबकि वो केंद्र से भी मंजूरी प्राप्त कर चुका था, राष्ट्रपति जी के साइन उस पर हो चुके थे, लेकिन आज तक वो लोकायुक्त हमारे प्रदेश में लागू नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो लोकायुक्त यहाँ लागू हो जाता तो पता नहीं कांग्रेस के कौन कौन से नेता जेल में होते। दूसरी बात, जो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया था वो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जो हमने स्थानांतरण पॉलिसी बनाई थी, क्योंकि पहाड़ में बहुत बड़ी समस्या है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई टीचर, कोई शिक्षक पहाड़ पे जाना नहीं चाहता, और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का ये हाल है, नारा देते हैं हिटो पहाड़, पर ये बड़ी दिक्कत है विनय गोयल जी, जब आप सरकार में होते हैं आप जो पॉलिसी बना जाते हैं बाद में आप कहते हैं कि उसने हमारी पॉलिसी पर काम नहीं किया, कांग्रेस आती है वो भी यही राग अलाप देती है, जब आप लोगों को पता है कि 5 साल का वक्त होता है तो पॉलिसीज वैसी क्यों नहीं? तो यूपी और उत्तराखंड में वोटिंग जारी है, उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो यूपी की 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिछले 5 साल में क्या हुआ? तमाम राजनीतिक दल दावा ठोक रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हमने पिछले कार्यकाल में ये किया, इस बार हमको वोट दे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी की जनता क्या चाहती है और यूपी की जनता आखिर किसके पक्ष में करेगी वोट, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी मुंह बाहे खड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, देहरादून से बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल हमारे साथ हैं, मथुरा दत्त जोशी जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है वो हमारे साथ हैं, और साथ ही नोएडा स्टूडियो में यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता कमलाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपने भी जब मैं आपके पास आई थी इससे पहले तब आपने कहा हमने ये किया हमने वो किया, वक्त लगेगा, अब यही बात मैं विनय गोयल जी से कह रही थी, आप लोग 5 साल देख के पॉलिसीज नहीं बनाते क्या, या इतने अति उत्साहित हो जाते हैं कि अगले 5 साल भी आप ही को मिलेंगे तो पॉलिसी ऐसी बनाओ कि 5 साल नहीं आगे खींचेगा काम? मथुरा दत्त जी आपसे सवाल मथुरा दत्त जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग सरकार में आते हैं पॉलिसीज बनाते हैं तो क्या उसकी ड्यूरेशन नहीं तय की जाती? 5 साल ही तो मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद तो जरूरी नहीं कि आपकी सरकार आए। निश्चित रूप से देखिए लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंगेर लाल के सपने देखते हैं कि हम ही रहेंगे सत्ता में, दूसरा नहीं रहेगा, हमने कभी नहीं कहा, जो निर्णय जनता का होगा वो हम स्वीकार करेंगे और हमें अपने पे विश्वास है कि हमने जनता की जो सेवा की है उसके भरोसे पर हम
हम खड़े उतरेंगे और दोबारा इस प्रदेश में हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम जो भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण, हमने ये हमने नारा दिया कि अगर आप एक वृक्ष लगाएंगे उसको 3 साल तक आप संरक्षित करेंगे तो हम आपको 300 रुपए का बोनस देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, हमने जितने भी पॉलिसीज बनाई है पर्वतीय क्षेत्र के लिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। कहीं पर भी हमने ये सोच के नहीं कहा कि हम 1 साल में परिवर्तन ला देंगे, 2 साल में परिवर्तन ला देंगे। प्रदेश विकास की दौड़ में तभी आगे बढ़ेगा जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो नैतिकता अगर होती तो एक नेता को घोषित कर देते अपना, प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम, मोदी अटल जी ने बनाया, मोदी जी ने संवारा है कह रहे हैं, क्यों? ये राज्य अटल जी ने बनाया तो क्या जो आंदोलनकारी शहीद हुए उनका कोई योगदान नहीं है? जिन लोगों ने लंबे समय से 50 साल से आंदोलन कर रहे थे, ये पीसी जोशी को याद नहीं करते हैं, ये त्रिपन सिंह नेगी जी को याद नहीं करते हैं, ये और लोगों को याद नहीं करते हैं, इनको तो याद आ रहा है केवल अटल जी ने बनाया, अटल जी ने जैसे उठा के दे दिया इनको, मोदी संवार रहे हैं। आपने कहा टाइम लगता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, वही बात तो बीजेपी भी कह रही है 2.5 साल से इस प्रदेश में, वही बात तो बीजेपी भी कह रही है। जो दैवी आपदा के लिए 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत था उसमें पैसा हमको नहीं दिया, ग्रीन बोनस हमारा बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, ग्रीन बोनस में कोई पैसा हमको नहीं दिया जी, उस पर लेंगे जवाब। पर जो आप कह रहे वही तो बीजेपी भी कह रही है, वो भी यही कह रही है कि हमारी सरकार 5 साल के लिए आई थी, हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमने काम किया, फिर जब सरकार बदली तो उसने हमारे कामों को रोक दिया। उन्होंने किया, जनता ने इनको फैसला दिया ना, और जनता पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, तो जनता से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप। आप दोनों अगर यही करते रहेंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप उनके काम बंद कर देंगे, उनकी सरकार आएगी वो उनके काम बंद कर देंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? जनता किसको सत्ता पर काबिज करे? गायत्री जी, जो प्लानिंग का काम होता है उसको कोई बंद नहीं करता है। अगर तो आप दोनों अच्छे योजना बना के जाते ना उसमें हम उसको बंद तो करते दूसरे को नीचा दिखाना गलत है, ये कह देते हमारा वो बदल दिया हमारा, अरे आप बना के क्या गए थे बताए? अगर इस प्रदेश के लिए कोई लॉन्ग टर्म योजना ये बना के गए थे तो ये बता दें, मैं आज ही पूछ रहा हूँ उनसे, ये बता दें कि आर्थिक संसाधन सुधारने की दिशा में कोई प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान यहाँ दिया हो, ये बता दें कि इस प्रदेश का ये डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये बता दें ये पलायन में इनकी क्या कुछ योजना है, ये बता दें बेरोजगारी ये कैसे समाप्त करेंगे, ये बता दें 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 2 करोड़ को जवाब दे रहा हूँ, ये बता दें इन्होंने 1 करोड़ कितने लोग जाएंगे तो मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, हो गए, चुप दीजिए जवाब। अब प्रदेश की जनता को ये समझ में आ चुका है कि ये जो अल्प बहुमत की सरकारें हैं और बार बार बदलने वाली सरकारें हैं उसके कारण से प्रदेश का विकास लगातार प्रभावित हो रहा है, और अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मैं ये इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, आज आप उत्तराखंड में तनख्वाह देने के लिए हर महीने 400-500 करोड़ रुपया उधार लेकर तनख्वाह बांट पा रहे हैं, जबकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 1,000 करोड़ रुपए का पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था इस बात के लिए कि हमने अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया था, घाटे का बजट प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा शासन चलाया, अच्छे काम किए और उसके कारण से आपने उस समय 1,000 करोड़ रुपया हमें मिला था, लेकिन हमने जो जो अच्छे काम किए आपने सारे रोक दिए। और अब जो जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी 1 साल से चुप बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12,000 करोड़ रुपए की ऑल वेदर रोड का शिलान्यास यहाँ हो चुका है, उस पर काम चालू हो गया है। 42,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चालू हो गया है। एक मिनट सुन लीजिए पहली बात, जब आपका समय आएगा आप पूरी आपत्ति रखेंगे। मैं आपत्ति कर रहा हूँ, पूरी आपत्ति। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने कहा कि साहब अटल जी ने बनाया इन्हें, तो इस बात पे भी आपत्ति है। मैं आपसे, आप खुद ये स्वीकार भी कर रहे हैं, खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि 50 साल से आंदोलन चल रहा था, आप कहां सो रहे थे उस समय? आपने क्यों नहीं बनाया उत्तराखंड राज्य? आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया उत्तराखंड राज्य? ये उत्तराखंड राज्य तब बना जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया तब उत्तराखंड राज्य बना। झंडे गाड़ लिए, मुद्दे तो वही है, झंडे गड़ेंगे, झंडे गाड़ रहा था, लेकिन इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो लूट की है, उसके कारण से आज पूरा देश में
शर्मसार हुआ है उत्तराखंड हमारा। आज आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्र में छपा है, मंत्री इनका पैसे बांटते हुए उनका बेटा पकड़ा गया, उसकी गाड़ी पकड़ी गई, कल थानेदार की गाड़ी में शराब पकड़ी गई, परसों स्टिंग ऑपरेशन आ रहे थे मुख्यमंत्री के। उत्तराखंड की ये छवि बना के रख दिया पूरे देश के सामने इन्होंने, ये उत्तराखंड चल रहा है, देवभूमि को दलाल भूमि और लूट भूमि बना के रख दिया इन्होंने। जनता तैयार बैठी थी, आज के दिन का इंतजार कर रही थी, और आप पोलिंग स्टेशन पे आपके कार्यकर्ता आपके घूम रहे हैं, जो आपके चैनल के लोग हैं उन्हें दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से परिवर्तन की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई बहुमत से सरकार आने जा रही है। मथुरा जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त बड़े काबिल दोस्त हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैं बड़ा मुझे दुख होता है कि जब ये बोलते हैं, मैंने कहा मेरी आपत्ति अटल जी ने बनाया, कह रहे मोदी ने संवारा। मैं इनसे यही पूछना चाह रहा था क्या मोदी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या एक बात है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने परेशान क्यों है मोदी, मैं परेशान बहुत परेशान है। आप जरा अरे नहीं आप परेशान इतने परेशान क्यों है मित्र बड़े भाई, आप जरा सुन तो लीजिए, आप परेशान क्यों है। मैं ये कहना इनको चाह रहा हूँ कि ये कह रहे कि ऑल वेदर रोड दी है। मैंने आपके चैनल में एक पहले भी बहुत जब मैं बैठा हूँ मैंने तब भी आपत्ति की थी कि उत्तराखंड की कौन सी रोड ऐसी है जो आज के तारीख में बंद पड़ी है, बता दें जरा किस वेदर में बंद होती है, और ऑल वेदर रोड होगी तो कैसी रोड होगी। आपको कल्पना ही नहीं है, आप कल्पना ही नहीं है, आपको ऑल वेदर रोड होती का चीज आपको पता नहीं है। ये कल्पनाओं में जीने वाले लोग हैं, ये कल्पनाओं में जीते हैं हम, यथार्थ में जीते हैं गायत्री जी। आप लकीर के फकीर हैं, आप सुन, आप लकीर के फकीर हैं, आप ये सुना नहीं, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको कल्पना ही नहीं, विकास कह रहे हैं, आप विकास क्या करेंगे आप जब आपको पता ही नहीं ऑल वेदर रोड क्या चीज है। ये मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं ना, आप बताइए, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, जवाब ये कह रहे हैं कि हमने मैं ये तो कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50,000 करोड़ रुपए की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, यूपीए की सरकार स्वीकृत करके गई, पैसा देके गई, सर्वे शुरू, कौन सा पैसा दिया, झूठ बोल रहे हैं लगातार, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कतई बिल्कुल झूठा है। अरे विनय भाई कोई पैसा नहीं दिया, सफेद झूठ नहीं, आप बताइए ना कौन सा पैसा देके गया आपकी सरकार, क्यों नहीं पैसा आया, इतना समय लगता है, कोई पैसा नहीं दिया आपने, कोई पैसा नहीं दिया आपने, हमने तो राष्ट्रीय योजना में कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया आपने, केवल लफाफी जैसे हरीश रावत जी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, झूठी 50,000 की घोषणा है हरीश रावत जी, जाते कहाँ है 50,000 का बजट, ये पैसे कहाँ जाते हैं, यूपी की सरकार थी वो कहते थे कि हम पैसा जारी कर रहे हैं, अब इनकी सरकार है ये भी कह रहे हैं कि पैसा जारी कर रहे हैं, जनसभाओं में झूठ बोल रहे हैं आप, सरकार के पैसे नहीं आते, राहुल गांधी जी चैनल पे नहीं, अरे भैया पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं, अरे भैया पढ़े लिखे को आरसी का, अरे क्या पढ़े लिखे को हाथ कर आरसी का, आपके नेता जी क्या कहते हैं, मजा जी ये बात तो हम पहले लगातार कहते रहे हैं, ये बात तो हम पहले भी कहते रहे हैं, सांच को आंच नहीं होनी चाहिए, आपदा रात को लेकर श्वेत पत्र, आपने श्वेत पत्र जारी नहीं किया, कब स्वीकृत हुई थी टनकपुर अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हाँ। आज श्रेय लेने की इनकी तो आदत है, दूसरे की गाय में गोदान करने का इनकी तो बहुत पुरानी आदत है, ये तो झूठ का भी इतना भी झूठ मत बोलो कम से कम भाजपा के मित्रों की, आप लोगों को हरीश रावत जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है, अरे आपको इसलिए तो एक एक मुख्यमंत्री के लिए 50 कैबिनेट मंत्री, जब आपका कुछ बचा ही नहीं, ठीक है नहीं मथुरा जी, प्रधानमंत्री मथुरा जी बार अध्यक्ष इनका जो है, एक श्वेत पत्र तो आप जारी नहीं कर पाए आपदा राहत को लेकर जी, एक श्वेत पत्र तो आप जारी नहीं कर पाए, ठीक है आपके पास हम इस पर आएंगे, इस पर आएंगे, हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे, पंखुड़ी पाठक जी हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक भी जुड़ गई हैं। पंखुड़ी जी हंगामा से आपको आपत्ति, मैं अपने शब्द को वापस लेती हूं और आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपके पास टाइम है, आपने बड़ा आरोप लगाया था समाचार प्लस पर, अगर हम बायस्ड होते तो आपको बुलाते नहीं, अब मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, जनता आपको क्यों वोट दे, 5 साल में आप लोगों ने किया क्या, 5 साल में जो काम अखिलेश जी की सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले किसी ने इस तरह का विकास का कार्य नहीं किया है, और विकास हर किसी के लिए अलग होता है, विकास एक गरीब व्यक्ति के लिए अलग होता है, एक युवा के लिए अलग होता है, हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप देखिए समाजवादी पेंशन योजना हम लोगों ने चलाई, हमने किसानों का कर्ज जितना भी सहकारी बैंकों का राज्य सरकार में था 50,000 तक का, उसको माफ करने का काम किया, किसानों पर जिस समय मुसीबत आई, ओलावृष्टि हुई, सूखा हुआ और केंद्र सरकार ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, हमने अपने बजट से अलॉट करके उस समय उनको मदद दी,
हेल्थ केयर के लिए 102 108 एम्बुलेंस को अपग्रेड किया, जीपीएस इनेबल किया। आज सबसे ज्यादा, हमेशा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यूपी में हो रही हैं। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए हमने न्यूट्रिशन मिशन की शुरुआत करी, हम लोगों ने लैपटॉप का वितरण किया, 21 आईटीआई कॉलेज खोले, मेडिकल में सीटें दुगनी करी। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं रह गया जिसके लिए हमने, और जो कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आते ही हमने 1090 हेल्पलाइन की शुरुआत करी, जिसमें 6.5 लाख लड़कियों को राहत मिल चुकी है। और लड़कियों के दिल से आज ये डर खत्म हो गया है कि हम कैसे किसी थानेदार के पास जाए। ये आप आरटीआई डाल लीजिए, ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, आप आरटीआई डालिए। साढ़े, बिल्कुल गलत आरोप है, एकदम गलत आरोप है। 6.5 लाख लखनऊ में, 6.5 लाख लोगों के, जो 6.5 लाख को बुलाते रहे, 6.5 लाख लोगों ने, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, और जिन लोगों को राहत मिली है, उन लोगों का दावा नहीं। देखिए, भाजपा में तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं उठाता। हम कह रहे हैं आप आरटीआई डालिए। हमने साढ़े, अरे हमारे पास रिकॉर्ड है, डायल हंड्रेड का जो सिस्टम है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि 10 से 15 मिनट में गाड़ी आती है, एक एक कॉल जो वहां पे लगती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और उस केस का क्या हुआ वहां तक सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और आपने जो एम्बुलेंस चलाई, आपको पता है ठेले पे किस तरीके से मरीजों को ले जाया जाता है, एम्बुलेंस को 10 बार, और हम तो लाइव दिखा चुके हैं, 10 बार फोन करो तो भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती। देखिए, हमने कई ऐसी तस्वीर, और हमने क्या कई चैनलों पे दिखाया था, आप लोग कोई आइसोलेटेड घटना कहीं पे हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा आप लोग पहाड़ बना देते हैं, लेकिन जितने लोगों को सुविधाएं मिली हैं आप कभी उनसे बात नहीं करते। आज डायल 100 की गाड़ी आप उत्तर प्रदेश में निकल जाइए, हर कुछ किलोमीटर में, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, हर जगह दिखती है, और उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था का मसला आपने उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर तो आपके खुद के जो अलायंस आज हो चुका है, जो आपके साथी हैं, वो ही कहते नजर आए थे कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार फेल है। देखिए, उन्होंने रिपोर्ट कहती है कि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ा, नहीं कौन सी, आप लोग अपने हिसाब से रिपोर्ट कोट करते हैं, आप ये नहीं बताते कि भाजपा शासित सारे राज्य नंबर एक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पूरे देश में, पूरे देश में, आप मुझे बता दीजिए, भाजपा अगर ये बता दे कि हमने कानून व्यवस्था पे कोई काम किया है अपने शासित राज्यों में। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5000 गाड़ियां पुलिस की कभी एक बार लगाई गई हो। ये आपके जी नहीं, पार्टी के आप बातों को नकार नहीं सकते, आप नकार नहीं सकते जो बात असलियत है, जो बात गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है। 5000 गाड़ियां नई उत्तर प्रदेश पुलिस में आ जाई है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां हमने करी, सबसे ज्यादा प्रमोशन हमने करे। कुछ कहेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर और जितने दंगे इनके शासन में हुए हैं, और ये जो आपने करवाए संगीत बाल्यान सुरेश राणा, जिन लोगों को बाद में आप लोगों ने प्रमोशन दे दिया, जेड सिक्योरिटी दे दी, इतने आपने और आपकी सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया लोगों ने। पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है, कोई गलत घटना नहीं हुई, ये इस बात का संकेत है कि आपकी जहरीली राजनीति को सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भाइयों ने भी पूरी तरह से नकारा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया है कि हम लोग इस बार इस सांप्रदायिक राजनीति के बहकावे में नहीं आएंगे। आपने दंगाइयों को क्यों नहीं निकाला? जब आप दंगाइयों को क्यों नहीं निकाला? केशव मौर्य पे कितने अपराधों के आरोप है? आपको आपकी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य, कौन सा अपराध है जो उन्होंने नहीं किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उन्हें गुजरात से बाहर किया गया था, कितने आपराधिक मामले उन पे थे? आपको और भी ज्यादा, आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखिए, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा दागियों को आप लोगों ने टिकट दी है। आप उत्तर प्रदेश में गुंडों को, माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।
हैं क्योंकि आपके पास चेहरे नहीं है उत्तर प्रदेश में, लोग नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और आपकी हालत इतनी खस्ता है कि आपको आज दंगाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, दंगाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपके योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज अपने आप को कहते संत है, उन पर रेप के आरोप है, मर्डर के आरोप है, पता नहीं कौन से तरह के संत होते हैं, हमारे धर्म में तो नहीं होते हैं। आप लोगों ने काम नहीं, कारनामा दिखाई दे रहे पूरे देश को, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने आरोप लगा। पंकुड़ी जी, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आप हमें बोलने का समय ही नहीं देते हैं। अरुण वर्मा के मुद्दे पे मैं कहूंगी, हाँ। मुख्यमंत्री जी ने कल भी ये बात कही कि जैसे परिवार चाहेगा वैसे कार्रवाई होगी। और एक और बात, जो इसमें पीड़िता थी, 5 लोगों को उसमें जेल हुई है, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मुझे नाम गलत बताया गया, ये वो शख्स नहीं है, और कोर्ट ने, हमने नहीं, कोर्ट ने उनको इस बात में, इस केस से बरी किया था। तो ये कहना बहुत गलत होगा, आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ जो ऑपोजिशन कहती है उसके आधार पे आप लोग आरोप लगाते रहते हैं। अभी भी हमने कहा है, अब आप काउंटर करें, इंक्वायरी कराइए, आप सीबीआई से कराइए, सीआईडी से कराइए, जो इंक्वायरी चाहते हैं हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। और अगर हमारी पार्टी का व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी पार्टी की तरफ से भी उस पर कार्रवाई होगी। जी विनय गोयल जी, जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के क्या हाल हैं। उत्तर प्रदेश में, अगर मैं तो इनसे यही पंखुड़ी जी से सवाल पूछना चाह रहा था कि आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपको प्रचंड बहुमत दिया था, और अगर आपने इतने अच्छे काम किए और कारनामे नहीं किए तो आपको जरूरत क्या पड़ गई गठबंधन करने की? हिम्मत होनी चाहिए थी फिर आप में। ये आपका डर, ये बताने के लिए काफी है। अरे आपने तो गठबंधन, जिनको आप कहते थे कि ये आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं पीडीपी, उनके साथ आपने गठबंधन किया, और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर जल रहा है सिर्फ आपके अनैतिक गठबंधन, आप लोगों की ये जो लालसा है कि किसी भी तरह से सत्ता में आए, चाहे सही चाहे गलत, सिर्फ सत्ता का जो आपका मोह है उसकी वजह से आप लोगों ने आज जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर दिए हैं। हमारे जवान हर पे मारे जा रहे हैं आप लोगों की गलत नीतियों की वजह से, और आप जवानों के लिए कुछ नहीं करते। एक जवान ने शिकायत क्या करी, आपने जवान को गायब करवा दिया। हमारा जो भी जवान शहीद होता है उत्तर प्रदेश सरकार उसके परिवार की मदद करती है, आप लोग सिर्फ हमारे जवानों के, हमारे शहीदों के नाम पे राजनीति करते हैं। अरे वो जो जिस जवान ने बीएसएफ की कंप्लेंट करी थी, आपने क्यों छुपाया उसे, क्यों गायब किया, आज उसकी बीवी को कोर्ट के सामने काटने पड़ रहे हैं। पंखुड़ी जी, मेरा एक पॉइंटेड सवाल है, मैं उस पर जवाब चाहता हूँ, मेरे प्रदेश की जनता भी आपसे जानना चाहती है। बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मेरा एक पॉइंटेड सवाल है, आप उनको बोलने तो दीजिए। उत्तर प्रदेश ने क्या किया आप ये बताइए, आपने कुछ किया होगा आप बताइए, आपके सांसद ही वापस नहीं आते हैं। पंखुड़ी जी, मेरा एक पॉइंटेड सवाल है आपसे, मेरे प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है, उनके मन में भी सवाल है, एक पॉइंटेड सवाल है कि आपको प्रचंड बहुमत दिया था पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, और पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी आपको, वो सरकार, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, आज आपको गठबंधन करने की जरूरत क्यों महसूस हो रहे हैं? अगर आपको अपने काम पे विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रदेश की जनता का बहुत भला किया है, तो आज आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले की तरह से चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा है? इसका डर सता रहा है आपको? आपके पास मुद्दा नहीं है, मैं बता देती हूँ क्यों पड़ गई। क्योंकि 300 से ज्यादा सीटें हमने लानी है, और हम लोग आप लोगों की तरह कुछ झूठों के पुलिंदे यहाँ पे नहीं बनाते हैं। सच में समाजवादी पार्टी आप लोग समाजवादी पार्टी, पहले विनय गोयल जी ये बता दें, उत्तराखंड में अगर इनकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था तो गायब क्यों हो गई, कांग्रेस कैसे आ गई? और आज की डेट में कांग्रेस के जितने जो है वो डिसिडेंट्स हैं, सबको आप गलबहियां दे करके लगाए हुए हैं, जो जिन लोगों पे आप आरोप लगाया करते थे आज उनसे गले मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश के लिए आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जो मिसाल देते हैं, एक तो आपके पास कोई नाम नहीं उत्तर प्रदेश में जिसको आप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सके, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कल्याण सिंह जी के समय का शासन, वो कल्याण सिंह जी के समय का शासन जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर के बाबरी मस्जिद की शहादत कराई और पूरे उत्तर प्रदेश और देश को दंगे की आग में झोंक दिया, वो कल्याण सिंह जी के ऊपर अपने खुद के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप लगा,
और वो भी साक्षी महाराज जो आपके नेता हैं उनके थ्रू, उन कल्याण सिंह की आप बात कर रहे हैं जिनके यहाँ पावर के दो दो सेंटर हुआ करते थे, लखनऊ की एक सभासद जो है वो चलाया करती थी पूरा उत्तर प्रदेश, उस कल्याण सिंह के शासन की आप बात करते हैं, तो आप लोग तो जो जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ चुका है। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि गन्ना किसानों का पेमेंट हो चुका सारा, जबकि 70% गन्ना किसानों का पेमेंट बाकी है मवावना शुगर मिल से लेकर के और लखीमपुर तक देख लीजिए। स्थितियां इतनी बुरी हैं, आप पूरे पूरे देश को नोटबंदी की कगार में झोंक करके अभी इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आई, एक एक दिन में 60,000 करोड़ रुपए का धंधा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? पूरे प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट गई जी। इस पर लेंगे जवाब, इस पर लेंगे विनय गोयल जी का जवाब। पंकुड़ी पाठक जी, अभी आप कह रही थी कि 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को जीतनी है, समाजवादी पार्टी को क्या खुद पर भरोसा नहीं था? देखिए आप लोग बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं। प्रैक्टिकल बातें बात ही करते हैं। ये बात नहीं सुन लीजिए, अगर भाजपा की तो आदत है खुले में झूठ बोलने की, बाद में कह देते हैं जुमला है। अगर भाजपा आज के दिन में ये कह रही है कि हम 300 से ज्यादा, हम पूरे 403 ही सीट ले आएंगे, आपका भी जो नहीं नहीं आप सुन लीजिए, हमें ये बात हमने पहले भी कही कि हम बहुमत में आ सकते हैं, लेकिन क्यों, अगर कहीं भी कुछ भी चूक हो जाए तो ये बसपा और भाजपा तो साथ में मिलकर सरकार बना लेंगे। चूक कैसी, ये लोग साथ में मिलकर, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार सफाया हो जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता समझे, जिसने की 73 सांसद इन लोगों को दिए, उनके साथ जिस तरह का एक भेदभाव हुआ और जिस तरह की उल्टी मार उन्हें पड़ी, आज ये सेंटिमेंट उत्तर प्रदेश की जनता में है कि भाजपा को वो उखाड़ के बाहर करना चाहते हैं। जिस सांप्रदायिक राजनीति में पश्चिम बंगाल का जवाब पड़ा, लोग ये कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, हम भाजपा को लाए हम ही वापस करेंगे। आज के समय जनता का ये मत है कि भाजपा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला जाए, और जनता के इस मत के साथ हम लोग हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया। और अभी तो उत्तर प्रदेश में ये साथ है, देश से बाहर निकाला जाएगा, जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है, तो फिर आप क्यों बैसाखियों का सहारा ले रहे थे? कोई बैसाखी नहीं, आप बैसाखी का नाम ना दीजिए गायत्री जी, आप ये बात समझ लीजिए, पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद के, समाजवादी मानसिकता के लोग एकजुट हैं। हम कृषि पे ध्यान देते हैं, किसानों पे ध्यान देते हैं, कॉर्पोरेट पे ध्यान नहीं देते। कांग्रेसवाद के खिलाफ हम उन लोगों का साथ देते हैं जो विकास की बात करते हैं, विभाजन की बात नहीं करते। हम दोहरे चरित्र के लोगों को उजागर करते हैं। दौलत की बेटी मायावती जिस की बुनियाद जो है वो तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के नाम पर रखी गई हो, ठीक है कमलाकर जी, वही व्यवस्था मायावती जी अपने यहाँ लागू करती हैं। और कमलाकर जी आई आपकी बात,